यदि आपकी कोई पीडीएफ फाइल है एक्सेल की और आप उसे एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं मोबाइल फ़ोन, एंड आपको गूगल में टाइप करना है स्मॉल पीडीएफ। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है smallpdf.com को, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से फ्री में आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सिंपल से इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर मिलेगा सी ऑल टू, सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी बता दिया आपको फाइल कन्वर्ट से रिलेटेड इस वेबसाइट के थ्रू। अगर आपकी कोई पीडीएफ फाइल है तो आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। तो देखिए पीडीएफ टू एक्सेल, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्विच बनाएगा, स्विच पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से पूछ रहा है कि अगर आपकी गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स में फाइल है तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड कर दें। लेकिन हमारे यहाँ पर मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस में सिंपल से हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ है फाइल, फाइल पर क्लिक करते हैं। आपकी कहीं भी गैलरी में कहीं भी फाइल है तो आप अपलोड कर दीजिए। तो हमारी यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर है, पर्टिकुलर फोल्डर है एक पीडीएफ का, एक्सेल का, ये देखिए पीडीएफ फाइल एक्सेल। अब हम इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल सा इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइल अपलोड होने के बाद आप कन्वर्ट टू एक्सेल पर क्लिक करेंगे एंड चूज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप वेट कीजिए, ये कन्वर्ट होने लगी है। तो देखिए कन्वर्ट हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि फाइल छोटी थी। देखिए यहाँ पर आप सेव ड्रॉपबॉक्स पर कर सकते हैं, सेव गूगल ड्राइव पर कर सकते हैं। तो हम सीधे डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में। सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करते हैं एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है एंड इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में जहाँ देखना है कि आपकी डाउनलोड वाला लोकेशन फोल्डर कौन सा है। तो हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर बना हुआ है। सिंपल सा हम फाइल मैनेजर में जानते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड वाला फोल्डर होगा ये है। सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं, देखिए एक्सेल, ठीक है। सिंपल से हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये एक्सेल की फाइल आ गई। तो इस तरह से हम बिना ऐप इंस्टॉल किए smallpdf.com वेबसाइट के द्वारा पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।